लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। भगवान इस भारत भूमि पर और प्रभुपाद जी महाराज के प्रयास से, भगवान की अनुकंपा से, भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के श्री विग्रहों की उपासना आज संपूर्ण संसार में, विश्व के अनेक अनेक देशों में भगवान के सुंदर श्री विग्रहों का अर्चन पूजन भक्तों के माध्यम से संचालित हो रहा है। यद्यपि कई लोगों के मन में ये संशय होता है कि किस प्रकार से भगवान के स्वयं भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री भगवान राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद, भगवान के श्री केशव देव, ऐसे भगवान के अनेक विग्रहों की सेवा वृंदावन धाम में सतत अनवरत रूप से चल रही है। ऐसे ही एक विग्रह जो हम सबसे बड़े चिर परिचित हैं, विराजते हैं नाथ द्वारा में, उनका नाम है श्री नाथ जी, नाथ द्वारा के स्वामी हैं, नाथ द्वारा में विराजते हैं और बहुत भारत के अनेक अनेक भक्त नाथ द्वारा में भगवान के दर्शन करने जाते हैं और बड़ी ही अद्भुत कथा है भगवान किस प्रकार अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए भक्त के माध्यम से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। तो सभी का प्राकट्य उपासना सेवा पूजा नाथ द्वारा में संचालित है और अनेक अनेक भक्तों के माध्यम से ये कार्यक्रम चलता है। तो श्रीनाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ, इसकी बड़ी सुंदर कथा चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में इसका वर्णन स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु करते हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने सन्यास के पश्चात जगन्नाथपुरी के लिए आ रहे थे, उस समय जगन्नाथपुरी प्रयाण के दौरान चैतन्य महाप्रभु एक मंदिर में रुकते, इस मंदिर का नाम था गोपीनाथ। इस मंदिर का नाम गोपीनाथ था लेकिन इसका नाम हुआ खीर चोरा गोपीनाथ, क्योंकि भगवान ने खीर चोरी की। तो खीर चोरा गोपीनाथ की कथा तो हम कभी और कहेंगे, लेकिन आज हम कथा कह रहे हैं भगवान श्रीनाथ जी की, गोपाल जी की कथा आज कह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में, रेमुना में, आज भी बालासोर उड़ीसा में बालासोर में रेमुना में ये मंदिर, तो जब महाप्रभु वहाँ उपस्थित थे तो उन्होंने कैसे उनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ा उसकी चर्चा महाप्रभु वहाँ कर रहे थे। तो उसी समय उनके गुरु, चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम है ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु का नाम है माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी जो कि ईश्वरपुरी के गुरु थे, तो माधवेंद्रपुरी के विषय में महाप्रभु चर्चा प्रारंभ करते हैं और माधवेंद्रपुरी की चर्चा जुड़ी हुई है भगवान श्रीनाथ जी के प्राकट्य से। महाप्रभु कहते हैं, पूर्वे श्री माधवपुरी अयला वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरी गोवर्धन। कि एक बार माधवेंद्रपुरी पहले वृंदावन धाम गए थे अपने भ्रमण के दौरान, और भ्रमण करते करते वो कहाँ पहुँच गए, गिरिराज गोवर्धन पहुँच गए ब्रजमंडल का भ्रमण करते हुए। और जब भ्रमण करते हुए पहुंचे तो माधवेंद्रपुरी अयाचक सन्यासी थे, परमहंस अवस्था में थे माधवेंद्रपुरी। प्रेमे मत नाही तार, रात्रि दिन ज्ञान, छने उठे छने पने, नहीं स्थान स्थान। तो माधवेंद्रपुरी की बाह्य चेतना नहीं थी, कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी क्रंदन करते थे, कभी भगवान को याद करते थे, इस प्रकार की चेतना में माधवेंद्रपुरी रहते थे ब्रजमंडल के अंदर। तो
तो माधवेंद्रपुरी ने ब्रजमंडल में परिक्रमा प्रारंभ की, गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ की और शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे आसी। गिरिराज जी की परिक्रमा करने के पश्चात माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड पहुंचे। जो लोग ब्रजमंडल में परिक्रमा में गए हैं और जब गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो बीच में एक स्थान पड़ता है गोविंद कुंड, तो गोविंद कुंड में माधवेंद्रपुरी ने आके वहां बैठ गए और यही गोविंद कुंड भगवान श्रीनाथ जी के प्राकट्य स्थलों में स्थल है। तो स्नान किया गोविंद कुंड में और वहां एक वृक्ष के नीचे संध्या का समय था और वहां पे बैठ गए संध्या के समय। तो उसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है। गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लैया आसी आगे धरी किछु बलीला हसिया। उसी समय एक बालक हाथ में दूध का लोटा लेके और माधवेंद्रपुरी जी के सम्मुख आ गया और बड़े हंसती हुई मुद्रा में माधवेंद्रपुरी से बोला, पुरी पुरी ये दुग्ध लैया, हे माधवेंद्रपुरी ये दूध लीजिए आप और इसको आप पान करिए, इसको पीजिए आप दूध को। और किस प्रकार का ध्यान आप कर रहे हैं, आप किसी से कुछ मांगते नहीं। तो वास्तव में माधवेंद्रपुरी का एक स्वभाव था कि माधवेंद्रपुरी अयाचक सन्यासी थे। एक तो सन्यासी होता जो याचना करता है और दूसरा होता है अयाचक, किसी से कुछ मांगना नहीं, जो प्राप्त हो गया तो पा लिया और प्राप्त नहीं हुआ तो भगवान के भरोसे ठीक है, ठाकुर जी को खिलाना होगा तो खिलाएंगे, नहीं तो आज ऐसे ही रहेंगे। तो ये माधवेंद्रपुरी का स्वभाव था, अयाचक सन्यासी थे। लेकिन भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का स्वभाव ये है कि भगवान अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रखते, बस हमें संकल्प करना है। यदि भक्त दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है कि मैं भगवान के प्रसाद को छोड़ के और कुछ नहीं खाऊंगा, तो ये अनेक भक्तों ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि कहीं ना कहीं से उनको भगवान के प्रसाद की व्यवस्था हो ही जाती है, बिल्कुल 100% पक्की बात है। लेकिन वो दृढ़ संकल्प हमारे हृदय में होना चाहिए। माधवेंद्रपुरी अयाचक सन्यासी थे और ब्रज में वास कर रहे थे, तो ठाकुर जी कैसे एक अपने भक्त को भूखा रख सकते हैं, हाथ में लोटा लेके, लोटे में दूध लेके, और ये जो गोपाल बालक है ये माधवेंद्रपुरी के सामने उपस्थित हो गया। और जब इस बालक का अद्भुत सौंदर्य जब देखते हैं माधवेंद्रपुरी, तो उनके हृदय में बड़ा चमत्कार हो जाता है, हृदय आनंद से भर जाता है इस बालक के सौंदर्य को देख के। और उनकी जो भूख प्यास थी सिर्फ उस बालक के दर्शन करने से भूख प्यास चली जाती है, ऐसा अद्भुत बालक। माधवेंद्रपुरी के मन में विचार आया कि ऐसा बालक तो हमने कहीं नहीं देखा। तो पूछ लिया माधवेंद्रपुरी ने, पुरी कहे के तुमी कहां तुमार वास, के मते जानी ले आमी करी उपवास। माधवेंद्रपुरी ने कहा, आपको कैसे पता चल गया कि मैं उपवास कर रहा हूं और आप हैं कौन और कहां रहते हैं आप, आपको कैसे पता चला मैं उपवास कर रहा हूं। तो बालक ने क्या कहा, बालक कहे गोप आमी यही ग्रामे वासी, अमार ग्रामे ते के हा ना रहे उपवासी। बालक ने कहा, भैया इधर ही रहता हूँ, गतिराज में यही रहता हूँ, नजदीक में ही रहता हूँ और हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है, हमारे यहाँ सब सबके भोजन की व्यवस्था होती है। किस प्रकार से, के हा अन्ना मागी खाए के हा दुग्दा हार, के हा अन्ना मागी खाए के हा दुग्दा हार, अयाचक जाने आमी ते आहार।
शक जाने आमी दिया ते आहार जलनी ते स्त्री गना तुमार देखी गेला ने कहा भगवान ने जो बालक था कि देखो भैया हमारे यहाँ तो सबका पेट भरता है, कोई मांग के खा लेता है, किसी को दूध मिल जाता है, और जो अयाचक होता है जो कुछ नहीं मांगता है आमी दीता आहार, जो कुछ नहीं मांगता उसको मैं आहार दे जाता हूँ। वो स्वामी जी बोले माधवेंद्रपुरी जी, अरे ये तो बड़ी अद्भुत बात है, जिसको कुछ नहीं मिलता उसको आप दे जाते हैं। तो आपको कैसे पता चला मैं भूखा हूं? तो ये गोपाल बोला कि पास में स्त्रियां जो है वो आती थी यहां गोविंद कुंड में जल लेने, और उन्होंने सब देखा कि बाबा बैठा हुआ है, तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा जाओ ये दूध ले जाओ और बाबा को देखे आ जाओ, बाबा बैठा हुआ है वहां पे। तो इतना मधुर वार्तालाप हो रहा था दोनों के बीच में, माधवेंद्रपुरी का इच्छा हो रहा था ये बच्चा थोड़ा यहीं देर बैठ जाए, लेकिन बच्चे ने क्या कहा, नहीं 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 बाबा हमारा गैया धोने का समय हो रहा है, मैं तो जाऊंगा अभी और कभी बाद में आऊंगा, तो ये जो बर्तन में लेके आया हूँ, लोटा लेके आया हूँ, ये लोटा बाद में मैं ले जाऊंगा। इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी ने की आंखों के सामने से ये बालक ओझल हो गया। एता बोली गेला बालक ना दिखी यार, इतना बोल के मैं बाद में आऊंगा बाबा, आऊंगा बाद में ले जाऊंगा लोटा, इतना बोल के माधवपुरी चित्ते हिला चमत्कार, माधवेंद्रपुरी के हृदय में बड़ा चमत्कार हो गया, अद्भुत हृदय आनंद से भर गया, एक ऐसी अपूर्व अनुभूति हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी, इस प्रकार की अनुभूति माधवेंद्रपुरी के हृदय में हुई। तो माधवेंद्रपुरी ने जो दूध प्राप्त हुआ था, याचक सन्यासी थे, दूध प्राप्त हुआ, दूध का पान किया और बर्तन को धोके रख दिया, और उस बच्चे का इंतजार करने लगे कि जब ये बालक आएगा तो हम उसको ये पात्र जो है दे देंगे और बालक ले जाएगा, उसका इंतजार करने लगे, लेकिन बालक वहां पे नहीं आया। और भजनानंदी भजन में अनुरक्त साधु थे, भजन में लगे रहते थे, तो माधवेंद्रपुरी अपने भजन में लग गए और नाम लेने के लिए बैठ गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माधवेंद्रपुरी नाम हरे कृष्णा हरि नाम संकीर्तन के जप में लग गए, और बाद में थोड़ा सा रात्रि के समय में उनको थोड़ा सा झपकी लग गई, एक बाह्य चेतना चली गई उनकी, एक अद्भुत घटना घटी स्वप्न में, बड़ी एक अद्भुत घटना घटी। क्या घटना घटी? स्वप्ने देखे से बालक सम्मुखे आसिया, एक कुंजे लैया गेला हाते ते धरैया। माधवेंद्रपुरी देखते हैं कि जब जप करते करते उनको थोड़ा निद्रा का अनुभव हुआ और बाह्य वृत्ति उनकी चली गई, उसी समय ये बालक जो उनके सामने दूध का लोटा लेके आया था वही बालक उनके स्वप्न में आता है, स्वप्न में आके उनका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के माधवेंद्रपुरी जी महाराज को हाथ पकड़ के एक झाड़ियों के पास, जंगल में एक झाड़ियों के पास में ले जाता है। कितनी अद्भुत घटना, माधवेंद्रपुरी जी को झाड़ियों के पास ले जाता है और क्या कहता है, हे माधवेंद्र मैं इस कुंज में रहता हूं, तुम पूछ रहे थे ना कि कहां से आए हो, कहां रहते हो, तो माधवेंद्र मैं इस कुंज में रहता हूं और मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है मुझे, शीत वृष्टि वाता वाताग्निते महा दुख पाई,
मैं इस कुंज में रहता हूँ और जब वर्षा होती है, गर्मी का मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। ऐसा ये बालक जो दूध देने आया था, स्वप्न में आके इस बालक ने इस प्रकार से कह दिया। तो ये बड़ी अद्भुत घटना है। तो आगे हम देखेंगे किस प्रकार से, कौन है आखिर ये बालक और कौन वहां रह रहा था। तो माधवेंद्रपुरी स्वप्न में ही थे और स्वप्न में ही उनको एक आदेश मिला। क्या आदेश मिला? ग्रामेर लोक आनियामा काड़ा कुंज हैते पर्वत ऊपरी लैया रखा भलमते। उस बच्चे ने माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि हे माधवेंद्र, आप आइए, सारे गांव वासियों को लेके आइए और हमें यहां से बाहर निकाल के पर्वत के ऊपर बिठाइए। माधवेंद्रपुरी तो आश्चर्य से भर गए और वहां पहाड़ के ऊपर ले जाके हमारा स्थापन करिए और शीतल जल से हमारे अंग का मार्जन करिए। ये सब आदेश कहां प्राप्त हो रहा है? स्वप्न में माधवेंद्रपुरी को ये आदेश प्राप्त हो रहा है। और भगवान कैसे अपने भक्तों का इंतजार करते हैं, स्वप्न में ही कहते हैं। ये बालक कहता है, बहु दिन तुमार पथ करि निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा करिबे सेवन। अरे माधवेंद्र, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इस फिराक में था, इस आश में था कि कब हमारा भक्त माधवेंद्र आएगा और कब मैं उससे सेवा ग्रहण करूंगा, इस फिराक में था मैं। तो देखो ये भक्ति की कैसी उन्नत अवस्था है। तो वास्तव में हमें अपने आप को योग्य बनाने का प्रयास करना चाहिए, पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए, हम अपने आप को योग्य करें। श्री भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करिए आप। कई बार लोग कहते हैं, क्या आपको साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं, क्या आपके सामने साक्षात प्रकट हुए हैं? तो भगवान यदि साक्षात किसी के सामने प्रकट भी हो जाए तो क्या करेगा, क्या करेगा? वही प्रार्थना जो हम करते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम जो हम रोज करते हैं, सुंदर भगवान की प्रार्थना जो हम रोज करते हैं, वही भगवान से प्रार्थनाएं करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, माधवेंद्र, मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए यहां पे। तुम्हार प्रेम बसे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी बा सकल संसार। हे माधवेंद्र, तुम्हारी सेवा ग्रहण करने के लिए मैं फिर से अपने आप को प्रकट करूंगा और इस संसार की सेवा ग्रहण करूंगा। किसके लिए माधवेंद्र? तुम्हारे लिए। तो वास्तव में भगवान श्री विग्रह के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं भक्तों की सेवाओं को स्वीकार करने के लिए। ये भगवान के श्री विग्रह के रूप में आने का एकमात्र उद्देश्य है, ताकि भक्त भगवान की सेवा कर सके, ये लक्ष्य है। क्यों कहते हैं? तुमार प्रेम वशे, भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं पराधीन हूं, भक्तों के प्रेम के पराधीन हूं। जिस प्रकार से गोपियों का स्नेह भगवान के प्रति है, भगवान कहते हैं उद्धव से, ये चुकाना हमारे लिए संभव नहीं है, ये जो ऋण हमने ले लिया है अपने ऊपर, ये ऋण हम नहीं चुका पाएंगे। बहुत सुंदर शिला सनातन गोस्वामी पाद ने एक ग्रंथ का रचना किया है, उसका नाम है वृहद भागवतम। इस वृहद भागवतम में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है उसकी खोज नारद मुनि करते हैं, और सबकी खोज करते करते उद्धव तक, और उद्धव कहते हैं सृष्टि में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं तो वो भक्त हैं गोपियां। बहुत सुंदर ग्रंथ है ये श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी द्वारा। परीक्षित महाराज ने जो अपनी माता उत्तरा को जो उपदेश सुनाए थे, वो उपदेश इस ग्रंथ में संग्रहित है।
तो तुमा प्रेम वसे करी सेवा अंगीकार, माधवेंद्र तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हो गए। तो ये वास्तव में इसलिए भगवान क्या कहते हैं, प्रेम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। भगवान कोई वस्तु के भूखे नहीं है, वस्तु के भूखे नहीं। जिनकी स्वयं सेविका लक्ष्मी जी हैं, जो चरणों में डेरा जमाए बैठी हैं, सारा संसार लक्ष्मी के पीछे और लक्ष्मी नारायण के पीछे, तो हम अपने धन पैसे से भगवान को खरीद लेंगे ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए। नहीं, वास्तव में हर कार्य के पीछे, चाहे आप लाख दान करें चाहे करोड़ दान करें, इस सबके पीछे मुख्य जो भाव है वो शुद्धिकरण का भाव, शुद्धिकरण का भाव है, ये मुख्य भाव है। लाइट वो शुद्धिकरण का भाव है। तो माधवेंद्र जी ने पूछा था आप हैं कौन, पहले पूछा था कहां रहते हो, तो उन्होंने स्वप्न में बता दिया मैं कहां रहता हूं, मैं इस कुंज में रहता हूं। और फिर पूछा था कि आप हैं कौन, तो वास्तव में श्रीनाथ जी स्वयं, हम चर्चा कर रहे हैं श्रीनाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ, श्रीनाथ जी स्वयं कहते हैं कि वो कौन है। श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी, वज्रेरा स्थापितमी इहाँ अधिकारी। श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी। अपनी पहचान से हम बता रहे हैं, श्री गोपाल नाम मोरा। वास्तव में श्रीनाथ जी का पुराना नाम है गोपाल, वो तो जब नाथ द्वारा में आ गए तो श्रीनाथ जी हो गए। श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी, मैं इसी गिरिराज जी को धारण करने वाला हूँ जिस जहाँ, और मेरा नाम है गोपाल, गऊओं का मैं पालन करने वाला हूँ। वज्र स्थापितामि यहाँ अधिकारी, ये वज्रनाभ कौन है, ये वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण के पड़ पोते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जो पड़पोते थे वज्रनाभ, उन्होंने अनेक अनेक विग्रहों का ब्रज के अंदर स्थापन किया था। भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम में चले गए तो वज्रनाभ जी ने अनेक अनेक विग्रहों का स्थापन किया, जिसमें से मुख्य रूप से वृंदावन में विराजमान है श्री श्री राधा मदन मोहन जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा गोविंद देव जी, केशव देव, ऐसे अनेक लगभग 10 ठाकुर ब्रज में विराजमान है, 10 या 12 मुझे थोड़ा सा संशय है, लेकिन 10 या 12 ठाकुर वज्रनाभ जी ने स्थापित किए। तो ये कहते हैं स्वप्न में कि वास्तव में मैं तो इस सेल के ऊपर रहता था, इस पहाड़ के ऊपर रहता था, गोवर्धन के ऊपर मेरा निवास था, लेकिन एक बार मलेच्छर था मुस्लिमों के आक्रमण के चलते हमारे जो पुजारी थे हमें यहां छुपा के और भाग गए, और जब भाग गए तभी से क्या हुआ, तभी से मैं यहां रह रहा हूं। सेई है ते रही आमी यही कुंज स्थाने, भल हैया इलामा काड़ सावधाने। उसी समय से माधवेंद्र मैं इस कुंज में रह रहा हूं, बच्चा किया तुम जो यहां आ गए, अब सावधानी पूर्वक मुझे यहां से निकालो, सावधानी पूर्वक मुझे यहां से निकालो। एता बोली से बालक अंतर ध्यान कैला, जागिया माधवपुरी विचार करीला। और ये बोल के वो बालक जो है वो अंतर ध्यान हो गया, इतना कह के वो बालक चला गया वहां से। अब जब माधवेंद्रपुरी जगे तो उनके मन में एक बड़ा अद्भुत विचार आया, श्री कृष्णा के देखिनु मुई
नारी मो चिनिते, अरे हमारे सामने स्वयं भगवान आकर मैं उनको पहचान नहीं पाया। जब स्वप्न में ये बात स्पष्ट हुई उनको, तब आया कि स्वयं गोपाल जी हमारे सामने दूध का बर्तन लेके आए थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। और एतावली प्रेमा वैसे पड़िया भूमिते, ये इस प्रकार का विकार उनके अंदर आ गया, प्रेम विकार प्रेमावेश में आके भूमि में लौटने लगे माधवेंद्रपुरी। विशेष अद्भुत चमत्कार उनके शरीर में प्रारंभ हो गया। कृष्णा के रोदन करी मन कैला धीर, आज्ञा पालैया लगी हैला सुस्थिर। यद्यपि शरीर में तो रोमांच हो रहा था, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए माधवेंद्रपुरी ने अपने उस भाव को अंदर धीरज रखा, उसको अंदर ही समोक लिया उन्होंने उस भाव को। रो रहे थे, नाच रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, जमीन में लौट रहे थे, अद्भुत गुणों का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी ने उस भाव को समाहित किया अपने अंदर, उसको रोका। और भगवान ने जो आदेश दिया था, उस भगवान के आदेश को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया।